साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और पाइए अपने व अपने आसपास से जुड़ी खबरें वैभव क्रांति पर। भाजपा उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में गांव, गरीब मजदूर, किसान और कर्मचारियों के लिए विकास कार्य किए गए हैं। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में पलवल जिले में सड़कों का जाल बिछाया गया है। नेशनल हाईवे पर जाम से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर बनाए गए हैं। पलवल शहर में लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए एलिवेटेड पुल बनवाया जा रहा है। भाजपा सरकार ने केएमपी और केजीपी एक्सप्रेस वे का निर्माण किया है। पलवल में रसूलपुर रोड और बामनीखेड़ा में आरओबी का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज बनाने का कार्य किया गया है। पलवल जिले के सभी ब्लॉक में महिला कॉलेज बनाए जा रहे हैं। गांव दूधौला में भी श्री विश्वकर्मा कौशल विकास यूनिवर्सिटी बनाने का काम भाजपा सरकार ने ही किया है। भाजपा सरकार ने 5 वर्षों में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य किए हैं और अवतार सिंह भड़ाना ने कोई विकास फरीदाबाद लोकसभा में नहीं किया। झूठ बोलने में अवतार सिंह भड़ाना सबसे माहिर है। जहां पैसे देने की घोषणा करता है वहां पैसे नहीं देता। 4 बार सांसद बनने के बावजूद भी वो केंद्र में मंत्री नहीं बन सका। उन्होंने कहा कि वो फरीदाबाद से 3 लाख, पलवल से 2 लाख की लीड लेकर चुनाव जीतेंगे। कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अवतार सिंह भड़ाना पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अवतार सिंह भड़ाना 3 बार फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे हैं, लेकिन उन्होंने केवल झूठ बोलने का काम किया है। कि हम जो चुनाव लड़ रहे हैं हमारे कांग्रेस से, उससे पूरी जगह जीडीपी क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होती है, एफडीआई क्या होती है, अगर एक के बारे में वो बता दें कि एफडीआई क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होती है, मैं मान जाता हूँ। मैं कहता हूँ मैं बैठ गया तो ठीक है, उस आदमी को खुद बता दिया पता नहीं। संसद में कभी भी क्षेत्र की आवाज को नहीं उठाया। वो अनपढ़ है और उसे जीडीपी और एफडीआई के बारे में जानकारी नहीं है कि किस तरह से देश में पैसा आता है और उस राशि से किस तरह से विकास करवाया जाता है। पलवल में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना को पानी पी पी कर जमकर कोसा। मंत्री बनाने के योग्य पार्टी ने नहीं समझा, एक काम कर लेना, मैं चुनाव से हट जाऊंगा, उससे एक बार एक कोरे कागज पे 25 दस्तक करा लेना, अगर एक से दस्तक करते हैं तो मैं मान जाता हूं, एक से है। उन्होंने कहा कि भड़ाना झूठ बोलने में नंबर वन है और वो पढ़ा लिखा भी नहीं है। 25 बार कोरे कागज पर अपने दस्तखत भी एक जैसे नहीं कर सकता। कृष्णपाल को इसी पार्टी में जन्म लिया था, इसी में मरना है, लेकिन कपड़ों के साथ पार्टी नहीं बदलूंगा और 23 तारीख के बाद चुनाव हारना उसका निश्चित है, लिख लो कोरे कागज। भूखे की बाहर जाती है पर झूठों की नहीं बाहर नहीं करती। 23 तारीख के बाद अब कौन सी पार्टी में होगा ये अब तुम्हें पता नहीं है। बताओ कहीं और बन जाएगा यकीन हो। भड़ाना कपड़ों की तरह पार्टी बदलता है। 23 तारीख को हारने के बाद वो कौन सी पार्टी में होगा इसका किसी को भी नहीं पता। मैंने तो भाजपा में ही जन्म लिया है और भाजपा में ही मरूंगा। पलवल से वीना चौहान की खास रिपोर्ट।